नमस्कार दोस्तों, ये मेरा मैसेज मीडिया वालों के लिए कि मीडिया वालों, तुम थोड़ा सा चिल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। क्यों? क्योंकि किसी सेलिब्रिटी की लाइफ को आप इतना उछाल रहे हो, शेम ऑन यू, आपके न्यूज़ चैनल चलाने के लिए। हाँ, आप लोगों को थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए कि दीपिका पादुकोण या करण जौहर या इतने भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं, इन्होंने अपना पूरा जान लगा दी अपना नाम बनाने के लिए और आपने एक मिनट में इनके नामों को उछाल दिया। दोस्तों, आप बोल रहे हो कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, दीपिका की साइड ले रही हूँ। हर हिंदुस्तान की हर लड़की का, वर्ल्ड की हर लड़की का जब ब्रेकअप होता है पहला प्यार से, हर लड़की हर लड़का अपने गिरेबान में झांक कर देखे। किसी का भी ब्रेकअप हुआ होता है या तो कोई आत्महत्या कर लेती है, शराब का सहारा लेती है, एक्सटेसी का सहारा लेती है, क्लबों में जाके पी पी के टाइट होके गिर जाती है या रोती है या फिर बहुत सारी चीजें लेती है। लोगों को बहुत मजा आ रहा है दीपिका, सारा खान, बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस को ऐसे नार्कोटेज में घसीटा जा रहा है, उनका नाम आ रहा है। हाँ, उसने ऐसा किया, हाँ उसने ऐसा किया। अरे तुम क्या करते वो देखो ना, तुम लोग कितने गिरे हुए वो देखो। क्यों एक मंत्री का बेटा पकड़ा नहीं गया? क्यों एक मंत्री नहीं पकड़ा गया? सिर्फ अगर किसी ने हैश ले लिया, कुछ ले लिया, तो अननेसेसरी उनको एनसीबी घसीट रहे हैं। शराब पीना भी एक जुर्म है, तो कौन सा मंत्री ऐसा है जो शराब नहीं पीता है? गटर सिर्फ बॉलीवुड नहीं है, अगर देखा जाए तो पूरा इंडिया ही गटर है, कि हर नॉर्मल इंसान भी शराब पीता है, तंबाकू खाता है, गुटखा खाता है, वो भी नशा है, वो भी गलत है, धूम्रपान करता है, सिगरेट पीता है, ये भी गलत है। तो मीडिया वालों, ये सारा नशा बंद करना है तो पूरे हिंदुस्तान से बंद करो, समझ गए आप? मीडिया वालों, सारे मंत्रियों को भी पकड़ो जाके, उनके बेटों को भी पकड़ो, और जो क्लबों में लड़कियां, जो नॉर्मल लड़कियां जो ड्रग्स लेती है उनको पकड़ो। डू नॉट टारगेट ओनली फिल्म इंडस्ट्री, ओके? डू नॉट टारगेट ओनली फिल्म इंडस्ट्री। यू नेवर नो, उसने कहा था कौन से सरकम चांसेस में, अगर उसने लिया भी है, अगर उसने कबूल भी किया तो उसका ब्रेकअप हुआ था दीपिका का। आपको थोड़ा सोचना चाहिए किसी की मेंटल स्थिति। ये सब चरसुल्ली गर्दुल्ली सब बहुत सारी लड़कियां लेती है और टीवी में आके बोलती है, इंटरव्यू में आके बोलती है, ओह माय गॉड इन्होंने लिया, शेम, अरे शेम ऑन यू, समझ गई? बहुत ज्यादा सती सावित्री बनने की कोशिश मत कर, हमामे सब नंगे हैं। उड़ता इंडिया, उड़ता वर्ल्ड है, नॉट ओनली उड़ता पंजाब और बॉलीवुड। हिंदुस्तान की मीडिया को लाइसेंस इसलिए दिया गया कि सिर्फ बॉलीवुड को क्लीन करे, बॉलीवुड के बारे में, बॉलीवुड के गंदगी के बारे में, बॉलीवुड के स्टारों के बारे में बात करे। हिंदुस्तान की मीडिया को और मिनिस्ट्री लेवल को, लोकसभा में, राज्यसभा में जो डिबेट करते हैं, सिर्फ बॉलीवुड को सुधारने के लिए, इसलिए लाइसेंस आप लोगों को दिया गया या मंत्री बनाया गया है। सुधारना है पूरे हिंदुस्तान को, सुधारो। ड्रग्स खत्म करना है पूरे हिंदुस्तान से, खत्म करो। शराब खत्म करना है पूरे हिंदुस्तान से, खत्म करो, ना कि सिर्फ बॉलीवुड को टारगेट करो। आप लोगों को मीडिया लाइसेंस इसलिए नहीं दिया गया कि सिर्फ बॉलीवुड को टारगेट करो, पूरे हिंदुस्तान को टारगेट करो। बड़े बड़े सितारों को अननेसेसरी क्रिएट मत करो, नाम मत लो, उनको बदनाम मत करो। शेम ऑन यू मीडिया एंड शेम ऑन यू। ये अंदर जाके आपको इसलिए मंत्री नहीं बनाया, अरे शर्म करो, तुम पहले वहां बॉलीवुड में ही थे, बॉलीवुड में। भाई साहब, जो लोकसभा में सांसद, जो बहुत सारे सांसद है बैठ के बोल रहे वहां पर कि बॉलीवुड में गटर है ये, तो भाई साहब आप ये गटर से ही बने हो, कमल खिल के, समझ गए? आप भी गटर ही थे और गटर में ही आप स्टार बने हो, कमल खिले हो, कीचड़ में ही कमल खिला है, और वहां पे जाके आप बॉलीवुड के बारे में बकवास कर रहे हो। बॉलीवुड जिंदाबाद, बॉलीवुड के स्टार जिंदाबाद, और महाराष्ट्र जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, समझ गए? तो मीडिया वालों शर्म करो, आप इतने बड़े बड़े दीपिका से लेकर करण जौहर से लेकर सब बड़े स्टारों ने अपनी जान लगाई है करियर बनाने में, एक चुटकी में तुम उनका करियर खत्म नहीं कर सकते। लिस्ट में आने से आपका जुर्म साबित नहीं होता, 10-15 साल लग जाएंगे आपका